हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ्स के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। सो सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी भी बोलते हैं, ये है क्या? एपी इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। एपी नंबर्स की एक सीरीज है जिनमें की पैटर्न ये है कि दो लगातार नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, ये आपको एक सीरीज गिवन है, 2, 6, 10, 14, 18। इसमें पैटर्न क्या है? अगर आप 2 और 6 इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, 6 माइनस 2 इज़ 4, 10 माइनस 6 इज़ 4, 14 माइनस 10 इज़ 4, जितने भी नंबर्स हैं सभी के बीच का डिफरेंस सेम होता है। या फिर अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी सीरीज जिसमें कि एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए 2 है, डिफरेंस मिल जाए 4 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2 प्लस 4 6, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 प्लस 4, इसके बाद नेक्स्ट टर्म होगी 22। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके की सीरीज को, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किए हैं, नंबर पैटर्न्स, पिक्चर पैटर्न्स, तो एक सीरीज है जिसमें पैटर्न ये है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, उसे हम डिनोट करते हैं ए से, और जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर 4 है, उसे हम डिनोट करते हैं डी से। तो डिफरेंस तो सही है डी। फर्स्ट टर्म शायद से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो ए है, इसीलिए उसको ए से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये है एपी। सिंपल कोई भी सीरीज, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन होगी हमेशा ही। मान लीजिए फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस आपको दिया है 7, सो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 10 प्लस 7, 7 उसमें ऐड कर देंगे, 17। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। नेक्स्ट टर्म 17 प्लस 7 इज़ 24, 24 माइनस 7 17, ये भी 7 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये सीरीज बनेगी, एंड सो ऑन। बाकी अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको 4 सिचुएशंस दी हैं, इनमें से किन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। इन सभी में एक सीरीज बनेगी, तो उन सीरीज में जो नंबर्स हैं किस सिचुएशन में वो नंबर एक एपी फॉर्म करते हैं और क्यों? सो पहले तो सीरीज ही फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका ये है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, वेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक सिटी में टैक्सी फेयर कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 है। सो नंबर्स क्या होंगे? हम कहेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, आंसर नंबर 1, पार्ट 1। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना है? ₹15, इक्वल टू ₹15। नाउ टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड के लिए कितना होगा? फर्स्ट के लिए 15 है और उसने कहा था उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 हैं, सो 15 प्लस 8 यानी कि ₹23। नेक्स्ट, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तीन टर्म कम से कम फाइंड करते हैं तभी आप पता कर पाएंगे कि कोई सीरीज एपी है या नहीं। सो थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा? सेकेंड तक के लिए ₹23 था, उसके बाद 1 किलोमीटर आप और गए, एडिशनल के लिए ₹8 आपको और देने होंगे, सो ₹23 प्लस 8, 8, 9, 10, 11, 1, 3, 31, ₹31। सो नंबर्स आर, ये जो सीक्वेंस है इसमें नंबर्स क्या हैं? 15, 23 एंड 31 एंड सो ऑन। इस तरीके से 4, 5, 6, 8 के लिए आप फाइंड करेंगे। हमें 3 की ज़रूरत है। क्वेश्चन ने कहा था कि किस सिचुएशन में जो नंबर इन्वॉल्व है वो एपी बनाते हैं, सो नंबर इन्वॉल्व हमें पता लग गए। अभी सिर्फ आपको ये देखना है क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? 23 माइनस 15 8 होगा, 31 माइनस 23 भी 8 होगा, यानी कि ये एपी है। सो आप कहेंगे 23 माइनस 15 इक्वल टू 8 एंड 31 माइनस 23 इज ऑल्सो इक्वल टू 8, सो 10
दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म करती है. और आगे उसने पूछा था वाई, क्यों, बिकॉज कॉमन डिफरेंस, या फिर आप डी भी लिख सकते हैं, डी इज सेम, क्योंकि हर सिचुएशन में जो डिफरेंस है डी है वो सेम है तीनों में, यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है. क्लियर है? पहले हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर फाइंड किया, सेकंड के लिए किया, थर्ड के लिए किया, उसके बाद नंबर्स लिखे, फिर आपने डी फाइंड किया डिफरेंस सेम है या नहीं, तो यहां पर भी 8 का डिफरेंस है, यहां पर भी 8 का डिफरेंस है, तो सिचुएशन एपी फॉर्म करती है बिकॉज डी सेम है. नेक्स्ट, सेकेंड सिचुएशन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, सो वैक्यूम पंप जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है. बताइए कि इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे वो एपी बनाएंगे या फिर नहीं. सेकेंड पार्ट, आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर एयर इन बिगनिंग. स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था एयर का, सपोज करिए बी था, देन वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर वन स्ट्रोक. एक बार जब वैक्यूम पंप ने रिमूव किया उसमें से एयर को, उसके बाद कितना वॉल्यूम होगा आफ्टर वन स्ट्रोक. वी उसका वॉल्यूम था, क्वेश्चन ने कहा था कि जो उसका वॉल्यूम है उसका 1/4 वो बाहर निकाल देता है, सो वी माइनस वी बाई फोर. वॉल्यूम का 1/4 कितना होगा, वी बाई फोर, माइनस करेंगे 4 1 6 4, माइनस ये हो जाएगा 4V, माइनस V इज 3V, सो 3V बाई 4. ये स्टार्टिंग में था वॉल्यूम, उसके बाद एक स्ट्रोक के बाद 3V बाई 4 रहा. नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, आफ्टर 2 स्ट्रोक. ओके, अभी जो वॉल्यूम रिमेनिंग था उसमें सिलेंडर में वो था 3V बाई 4. सो 3V बाई 4, क्वेश्चन ने कहा था कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, जो एयर रिमेनिंग है उसका 1/4 पंप बाहर निकालता है. तो अभी रिमेनिंग एयर 3V बाई 4 है, इसका 1/4 वो बाहर निकालेगा, तो यानी कि जो एयर बाहर निकली वो होगी 1/4 ऑफ 3V बाई 4. ये होपफुली क्लियर हो. स्टार्टिंग में वॉल्यूम वी था, उसके बाद उसने कहा जो वॉल्यूम होता है उस सिलेंडर में उसका 1/4 पंप बाहर रिमूव करता है, सो वी बाई फोर बाहर चला गया, कितना बचा, वी में से वी बाई फोर गया, सो 3V बाई 4 बचा. अभी सेकेंड स्ट्रोक में जो रिमेनिंग है यानी कि 3 बाई 4 है, उसका 1/4 को वो रिमूव करेगा, सो इतनी एयर रिमूव होगी, कितनी बचेगी, जितनी थी माइनस जितनी रिमूव हुई. इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, ये होगा 3V बाई 4 माइनस 3V बाई 4, 4 जार 16, LCM होगा 16, देन 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, ये 4 4 जार 16, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जार 12V माइनस 3V इक्वल टू 9V बाई 16. ओके, तीन टर्म्स हमें मिल गई, फर्स्ट है V, सेकेंड है 3V बाई 4, थर्ड है 9V बाई 16. सो आप कहेंगे सो नंबर्स आर, नंबर्स कौन से इन्वॉल्व है इस सीक्वेंस में, V, 3V बाई 16 एंड 9V बाई 16. अभी देखते हैं ये एक एपी है या नहीं. एपी के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि इसमें से आप बी को माइनस करेंगे वो डिफरेंस, और 9V बाई 16 में से 3V बाई 4 है ये, सॉरी, को माइनस करेंगे वो डिफरेंस, दोनों सेम हो. सो डिफरेंस फाइंड करते हैं, सबसे पहले 3V बाई 4 माइनस V, ये कितना होगा 4V, 3V माइनस 4V इज माइनस V बाई 4. सो पहला तो डिफरेंस है माइनस वी बाई फोर. सेकेंड डिफरेंस, इसमें से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, सो 9V बाई 16 माइनस 3V बाई 4. एलसीएम कितना होगा 16 और 4 का 16, 9V एज इट इज, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, 9V माइनस 12, 12V, तो यहाँ पर डिफरेंस है माइनस 3V बाई 16. सो देखो डी सेम ही नहीं है, फर्स्ट में डिफरेंस माइनस वी बाई फोर है और आगे डिफरेंस 3V बाई माइनस 3V बाई 16 है. सो आप कहेंगे ये जो सीक्वेंस है इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व है ये सिचुएशन एपी फॉर्म नहीं करती. दस दिस सिचुएशन डज नॉट फॉर्म
एन ए पी, क्यों? बिकॉज डिफरेंस, या फिर डी इज नॉट सेम, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि जो एयर रिमूव होती है हर बार में वो इक्वल है, उसने कहा एयर रिमूव होती है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। अब रिमेनिंग एयर तो हर स्ट्रोक के बाद डिफरेंट होगी, पहले अगर वी थी तो अगली बार 3V/4 बचेगा, इसका 1/4 वो रिमूव करेगा, नेक्स्ट टाइम कितना रिमूव करेगा, 3V/16 का 1/4 रिमूव करेगा। तो यानी कि जो एयर रिमूव हो रही है वो हर बार डिफरेंट है, डी डिफरेंट है, तो इसलिए ए पी ए नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक वेल को डिग करना है, कुएं को खोदना है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक वेल को जब हम डग कर रहे हैं सो पहले मीटर को डग करने के लिए ₹150 लेता है जो डग करने वाला है, और उसके बाद हर मीटर के लिए ₹50। पहले को डग करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, सो उसके लिए 150 है, उसके बाद हर मीटर के लिए ₹50 है। आपको बताना है कि इसमें जो एक नंबर की सीरीज बनेगी कॉस्ट के लिए वो एक ए पी फॉर्म करेगी या नहीं। थर्ड पार्ट, सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग हमें फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट मीटर के लिए फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर। 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट के लिए वो ₹150 लेता है, इक्वल टू ₹150। नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर्स, 2 मीटर के लिए कितना लेगा, फर्स्ट के लिए 150 ले चुका है, सेकेंड के लिए 50 लेगा। सो अगर आपको 2 मीटर तक डग कराना है वेल को तो आपको देने होंगे ₹200। नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर्स, 3 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए ₹200 था, फिर ₹50 और एक्स्ट्रा लेगा, सो 200 आप 2 मीटर तक के लिए दे चुके हैं, फिर 50 और देंगे थर्ड के लिए, सो अभी आपको देने होंगे ₹250। 1 मीटर अगर कुआं खुदवाना है तो 150, 2 मीटर का है तो 200, और 3 का है तो सॉरी 1 के लिए 150, 2 के लिए 200, 3 के लिए 250। दस नंबर्स आर, सो नंबर्स कौन से हैं जो इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, 150, 200 एंड 250। अभी आप डी फाइंड करेंगे, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, जो नंबर है उससे उसके प्रीवियस नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, सो 200 माइनस 150 ये कितना होगा ₹50, 50 ओनली नंबर्स हैं। एंड नेक्स्ट 250 माइनस 200, सेकेंड टाइम डी कितना होगा अगर यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करें, ये भी होगा 50, डिफरेंस सेम है दोनों केसेस में, 50 है, सो यानी कि जो सिचुएशन है वो एक ए पी फॉर्म करती है। सो दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन ए पी एज डिफरेंस इज सेम, क्योंकि डिफरेंस सेम है। ओके, नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल अकाउंट में कितना अमाउंट ऑफ मनी होगा व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। जबकि आपने अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए हैं और जो इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल होता है पी इंटू 1+R/100 टू द पावर एन। पी होता है प्रिंसिपल जो कि 10,000 है, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% है, और एन नंबर ऑफ ईयर्स तो चेंज होते रहेंगे। बिगनिंग में 10,000 है, एक साल के बाद 1 हो जाएंगे नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल के बाद 2 हो जाएंगे। सो फोर्थ पार्ट हम कहेंगे अमाउंट इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में जब आपने डिपॉजिट कराए तो कितना अमाउंट था आपके अकाउंट में, ₹10,000। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद अमाउंट कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे पी इंटू 1+R/100, आर जो कि 8% है, 8/100 टू द पावर एन। एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल हुए हैं, अभी एक ही साल हुआ है तो पावर 1 ही होगी। ये होगा 10,000 इंटू 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 8 इज 108/100, पावर 1 है तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 108/100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 108 इंटू 100 इज
10800, यानी कि एक साल के बाद आपके अकाउंट में अमाउंट ऑफ मनी कितना होगा? 10800। अभी अमाउंट फाइंड करते हैं, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? 10000 पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2। अभी नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल हो गए हैं, तो पावर एन में 2 जाएगा। 10000 इंटू 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 8 इज 100 एंड 8/100 इसकी पावर 2। पावर 2 मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। सो 10000 इंटू 108/100 इंटू 108/100, 2 जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो भी कैंसिल, बचा 108 इंटू 108। 8 8 जार 64, 8 जीरो से सब जीरो ही रहेगा, 1801। सो 4 6 8 8 जार 16 एंड 1, दिस इज 11664, 11664। सो नंबर्स क्या हैं जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है? स्टार्टिंग में 10000 है, 10000, देन सेकेंड नंबर है 10800, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 11664। अभी डिफरेंस फाइंड करते हैं। पहला डिफरेंस फाइंड करेंगे 10800 माइनस 10000 करके। 10800 माइनस 10000 ये होगा 800, और दूसरा डिफरेंस फाइंड करेंगे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके। सो 11664, 664 माइनस 10800, ये कितना होगा? 864। सो पहला जो डिफरेंस है वो है 100, सेकेंड डिफरेंस है 864। डिफरेंस क्योंकि सेम नहीं है, सो ये सिचुएशन एपी फॉर्म नहीं करेगी। सो दिस सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी बिकॉज डी इज नॉट सेम। ओके, पहले हमने बिगनिंग का अमाउंट लिया। स्टार्टिंग में हमारे बैंक में जो अकाउंट है उसमें 10000 रुपीज थे। एक साल के बाद फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, 10800 है, और 2 साल के बाद फिर से फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, 11664 है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है जो 3 नंबर्स हैं उनमें। सो सिचुएशन एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है इसमें फर्स्ट और थर्ड सिचुएशंस एपी फॉर्म कर रही है क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस सेम है, और सेकेंड और फोर्थ नहीं करती है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की पहली 4 टर्म्स आपको लिखनी है। वेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। कुछ सिचुएशंस आपको दिए, 5 सिचुएशंस हैं। ए भी आपको पता है, डी भी आपको पता है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑन एपी की आपको लिखनी है। अभी हमने देखा था कि किसी भी एपी में नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सीरीज गिवन है, सीरीज है 5 8 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट टर्म 5 है, और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 3 का, 8 माइनस 5 3 होगा ना, मतलब आप 3 ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट होगी 11 12 13 14, 14 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगी? 15 16 17। कहने का मतलब ये है कि जब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है, आप प्रीवियस टर्म में डी को डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो वही आपको करना है। फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, नेक्स्ट टर्म में आप 10 में डी को ऐड कर देंगे। 10 में 10 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में इसमें डी को ऐड कर देंगे सो 30 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम कहेंगे ए वन, ए वन मतलब ए, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 10, फर्स्ट टर्म 10 है ना। ए टू, ए टू मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी? फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करके। तो यानी कि 10 में हमने ऐड किया डी को, 10 प्लस 10 20। ए थ्री यानी कि थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में डी को ऐड करके, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस को ऐड करना है। सो 20 प्लस 10 ये हो जाएगी 30। नेक्स्ट फोर्थ टर्म ए फोर, इस टर्म में डी को ऐड करके, प्रीवियस जो टर्म है थर्ड टर्म है, सो 30 प्लस 10 ये होगा 40। कितनी टर्म्स फाइंड करनी थी? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 ही टर्म्स फाइंड करनी थी। सो ये 4 टर्म्स हो गई। आप कहेंगे ए पी क्या है? ए पी है 10 20 30 एंड 40। ओके, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है ए इज माइनस टू डी इज जीरो, ए इज माइनस टू डी इज इक्वल टू जीरो। हम कहेंगे ए वन यानी कि फर्स्ट टर्म तो वही है माइनस टू, ए टू सेकेंड टर्म कितनी होगी? प्रीवियस टर्म में ऐड करेंगे डी को, ऐसे डी को जीरो को आप कितना भी ऐड कर लीजिए माइनस टू ही रहेगा, तो सेकेंड टर्म भी माइनस टू ही है। थर्ड टर्म ए थ्री,
प्रीवियस टर्म जो कि माइनस टू ही है, उसमें हमने डी को ऐड किया, जीरो को ऐड किया, ये भी माइनस टू है, फोर्थ टर्म भी माइनस टू ही रहेगी, माइनस टू। सो एपी क्या है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यानी कि टर्म्स अगर सेम है वो भी एक एपी होती है। नेक्स्ट थर्ड टर्म, थर्ड पार्ट, ए है फोर, डी है माइनस थ्री, डी यहाँ पर माइनस थ्री है, यानी कि प्लस आप करेंगे माइनस थ्री को। कैसे हम कहेंगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो फोर ही है, सेकेंड टर्म हमें फाइंड करनी है, फोर में ऐड करेंगे माइनस थ्री को, ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपको फोर से माइनस करना है थ्री को, सो सेकेंड टर्म होगी वन। थर्ड टर्म क्या होगी, प्रीवियस टर्म जो कि वन है ए टू, उसमें डी को ऐड करके, सो वन में ऐड करेंगे डी को, माइनस थ्री को, वन प्लस माइनस इज माइनस थ्री, वन माइनस थ्री इज माइनस टू, सो थर्ड टर्म है माइनस टू। नाउ फोर्थ टर्म, प्रीवियस टर्म में फिर से डी को ऐड करके, प्रीवियस टर्म जो कि माइनस टू है उसमें ऐड करेंगे माइनस थ्री को, सो माइनस टू प्लस माइनस इज माइनस थ्री, माइनस फाइव। सो यहाँ पर ए पी क्या बनेगी, ए पी है फोर, वन, माइनस टू, माइनस फाइव, कम होती जा रही है, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी है क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ए है माइनस वन एंड डी इज वन बाय टू, सो ए वन तो वही रहेगा माइनस वन, ए टू कितना होगा माइनस वन, में ऐड करेंगे वन बाय टू, सो माइनस वन में ऐड किया वन बाय टू, टू इंटू वन इज टू, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन बाय टू, माइनस वन प्लस टू इज माइनस वन, माइनस वन बाय टू। ए थ्री क्या होगा, अभी सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे डी को, सो माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू, कैंसिल हो गया जीरो, थर्ड टर्म है जीरो। फोर्थ टर्म क्या होगी, जीरो जो प्रीवियस टर्म है उसमें ऐड करेंगे डी को, जीरो प्लस वन बाय टू, सो ये होगा वन बाय टू। सो ए पी क्या बनेगी हमारी, ए पी है माइनस वन देन माइनस वन बाय टू, उसके बाद जीरो एंड देन वन बाय टू, माइनस वन माइनस वन बाय टू, जीरो एंड वन बाय टू। ओके नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ पार्ट, ए है माइनस वन पॉइंट टू फाइव एंड डी है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, सो ए वन तो माइनस वन पॉइंट टू फाइव ही रहेगा, ए टू प्रीवियस टर्म यानी कि माइनस वन पॉइंट टू फाइव में ऐड करेंगे हम माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, सो माइनस वन पॉइंट टू फाइव में ऐड किया माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, दोनों माइनस की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, ऐड होंगी तो ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट टू फाइव, टू फाइव इज फाइव जीरो, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टी, ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म कैसे आएगी, सेकेंड टर्म में डी को ऐड करके, सो सेकेंड टर्म है माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो, इसमें आप ऐड करेंगे माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, सो माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो प्लस माइनस इज माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव इज माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव, डेसिमल के बाद फाइव, फाइव प्लस टू सेवन एंड पॉइंट के बाद जीरो एंड वन इज वन। नेक्स्ट ए फोर्थ कैसे फाइंड करेंगे, जो प्रीवियस टर्म है वन पॉइंट सेवन फाइव उसमें ऐड करेंगे डी को, इसमें ऐड करेंगे जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव को, 1.75 माइनस जीरो पॉइंट सॉरी प्लस माइनस 0.25 ऐड करना है डी को, सो माइनस 1.75 प्लस माइनस इज माइनस 0.25, 1.75 0.25 ऐड होंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5 5 10 0 1 7 8 9 10 0 1 1 प्लस 1 इज 2, दिस इज 2.00 यानी कि 2 पॉइंट जीरो माइनस 2 या फिर 2.00 लिख देंगे आप। सो ए पी क्या है हमारी, माइनस वन पॉइंट टू फाइव, माइनस वन पॉइंट टू फाइव, देन माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो, देन माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव एंड फाइनली माइनस टू। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज फॉर द फॉलोइंग ए पीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ए पीज आपको गिवन है, इनके लिए आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। सो फर्स्ट टर्म तो इजी है, थ्री है, इसमें माइनस फाइव है, पहली जो टर्म है। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए, या तो माइनस थ्री से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस वन से वन को कर दीजिए, वन से थ्री को कर दीजिए। डिफरेंस हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को जब आप माइनस करेंगे आपको डी मिल जाएगा। सो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सीरीज़ क्या है, थ्री वन माइनस वन एंड माइनस थ्री। आप कहेंगे फर्स्ट टर्म या फिर ए लिखते हैं सीधा, ए इक्वल है थ्री के, वो तो दिख ही रहा है हमें, ये फर्स्ट टर्म है थ्री। अभी डी फाइंड करना है,
सो आपकी मर्जी, आप 1 माइनस 3 करिए, माइनस 1 माइनस 1 करिए, माइनस 3 माइनस माइनस 1 करिए, तीनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा. तो नेगेटिव नंबर्स को रहने देते हैं, 1 से माइनस कर लेते हैं 3 को, 1 माइनस 3. डिफरेंस हमेशा उस टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करके आता है. ओके, सो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, ए 3 है, डी माइनस 2 है. सेकेंड पार्ट, माइनस 5, माइनस 1, 3 एंड 7. सो ए कितना है, माइनस 5, और डी कितना है, टर्म से प्रीवियस को माइनस करना है, 7 से 3 को कर लेते हैं. 7 से माइनस किया 3 को, तो ये हो गया 4. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सीरीज है 1 बाई 3, 5 बाई 3, 9 बाई 3 एंड 13 बाई 3 एंड सो ऑन. सो ए तो है 1 बाई 3 फर्स्ट टर्म, और डी कितना होगा, इसी से 9 बाई 3 से माइनस कर लेते हैं 5 बाई 3 को, या फिर 5 बाई 3 से करते हैं 1 बाई 3 को, नंबर्स भी छोटे हैं. 5 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, डिनोमिनेटर 3 रहेगा, 5 माइनस 1 इज 4, डी है 4 बाई 3. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. सो ए तो है सिंपल 0.6, डी कितना होगा, डी के लिए 2.8 से 1.7 को माइनस करते हैं, 2.8 माइनस 1.7, तो डेसिमल के बाद 8 माइनस 7 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 1.1, ये डी है, सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इनमें से कौन सी APs हैं, इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP फॉर्म करती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, तो D फाइंड करिए एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म्स लिखिए. इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं, 15 पार्ट्स हैं, तो एक दो क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी फिर हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटे नंबर्स हैं. जैसे फर्स्ट सीरीज को अगर हम देखें, 2, 4, 8, 16, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज में ऑब्वियसली जब प्रॉपर AP आपको बताई जाएगी, ये एक्सरसाइज सिर्फ AP का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है. तो यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2, 4, 8, 6, 16, अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 8 माइनस 4 कितना होगा, 4, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, तो एक जगह डिफरेंस 2 है, एक जगह डिफरेंस 4 है, जबकि डिफरेंस तो हमेशा सेम रहना चाहिए AP के केस में, तो यानी कि AP नहीं है. इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे 4 माइनस 2 इज 2, 8 माइनस 2 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज 4, सो नॉट एन AP, सिंपल AP नहीं है, ये नहीं है AP. नेक्स्ट 5 बाई 2 से माइनस करेंगे 2 को, 5 बाई 2 से माइनस किया 2 को, तो कितना होगा, 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 बाई 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 4 इज 1, 1 बाई 2. अब 3 में से माइनस करते हैं 5.5 बाई 2 को, 3 2 जार 6, 6 माइनस 5 बाई 2, यहाँ पर भी 1 बाई 2 का डिफरेंस है. 7 बाई 2 से माइनस करते हैं 3 को, 7 बाई 2 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 2 जार 6 बाई 2, यहाँ पर भी 1 बाई 2 का डिफरेंस है. ये एक AP है. अब इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके आपको फाइंड करने हैं. इस क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रॉपरली सॉल्व. सेकेंड पार्ट, सीरीज है 2, 5 बाई 2, 3 एंड 7 बाई 2. सो आपने कहा 5 बाई 2 माइनस 2, ए 2 में से पहले माइनस किया है ए 1 को, डिफरेंस देखा 5 बाई 2 माइनस 2, फिर हम ए 3 में से ए 2 को माइनस करेंगे, चार टर्म्स दिया, चारों को चेक करना है. ए 3, ए 4 में से ए 3 को माइनस करेंगे, वहाँ पर डिफरेंस देखेंगे एंड देन, एक सेकेंड सॉरी, ए 2 माइनस ए 1, 3 माइनस 2, हाँ ठीक है, ये है 3 माइनस 5 बाई 2 और ये हो जाएगा 7 बाई 2 माइनस 3, 7 बाई 2 माइनस 3, कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 2 टू ज़ार 4, 4 बाई 2, 1 बाई 2, 3 टू ज़ार 6, 6 माइनस 5 बाई 2, ये भी 1 बाई 2, 7 माइनस 3 टू ज़ार 6 बाई 2, ये भी 1 बाई 2. सो डी इज सेम, सीरीज इज एन AP इज सेम, सो यस इट इज एन AP. उसने कहा था कि अगर AP है देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, AP है तो अगली 3 टर्म्स आप फाइंड करिए. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे, 7 बाई 2 की अगली टर्म होगी, 7 बाई 2 में D को ऐड करके जो आएगी, यानी कि 7 बाई 2 प्लस 1 बाई 2. A5 क्या होगी, अभी आपको A5, A6 और A7 फाइंड करनी है, क्योंकि A4 चार टर्म्स गिवन है, 5th, 6th और 7th आप फाइंड करेंगे. फिफ्थ टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ टर्म में डी को ऐड करके, तो फोर्थ टर्म क्या है, 7 बाई 2, आप कहेंगे 7 बाई 2 प्लस डी विच वॉज 1 बाई 2, ये हो जाएगा 8 बाई 2 यानी कि 4, A5 4 हो गया. सिक्स टर्म क्या होगी, प्रीवियस टर्म यानी कि A5 में 1 बाई 2 को ऐड करके,
आएगी। सो 4 प्लस 1 बाई टू, 4 टू जार 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 बाई टू। और 7 टर्म क्या होगी, 9 बाई टू में 1 बाई टू को प्लस करके, 2 तो एलसीएम आ ही गया, 9 प्लस 1 इज 10 बाई टू यानी कि 5। क्लियर? 2 5 बाई टू, 3 7 बाई टू, देन 4 9 बाई टू एंड 5, ये फर्स्ट 7 टर्म्स है हमारी सीपी की। नेक्स्ट, अभी आपको क्लियर हो गया होगा करना कैसे है। पहले तीनों केसेस में डी फाइंड करने हैं, ये माइनस ये, ये माइनस ये, ये माइनस ये। अगर वो सेम नहीं आते तो एपी नहीं है, क्वेश्चन वहीं खत्म। और अगर आते हैं तो आप कहेंगे कि एपी है, और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जो फोर्थ टर्म है उसमें जो डी आपने फाइंड किया उसको ऐड करके, फिर इसमें डी को ऐड करके, फिर इसमें डी को ऐड करके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, वन माइनस 1 बाई टू, माइनस 3 बाई टू, माइनस सॉरी माइनस 1.2, माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस 7.2। सो डिफरेंस कितना होगा, माइनस 3.2 से आप माइनस करेंगे माइनस 1.2 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3.2 प्लस 1.2 ये हो जाएगा माइनस के 2, डिफरेंस है माइनस 2 यहाँ पर। फिर 5.2 से माइनस करेंगे, माइनस 5.2 से माइनस करेंगे माइनस 3.2 को, तो माइनस 5.2 प्लस 3.2, यहाँ पर भी डिफरेंस है माइनस 2 का, 3 4 5.4, 2.2 तो कॉमन ही है दोनों में। फिर यहाँ से माइनस करेंगे माइनस 7.2 से 5.2 को, माइनस माइनस 5.2, सो माइनस 7.2 प्लस 5.2 ये भी हो गया माइनस 2, तो करेक्ट है एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं, माइनस 1.2, 2, 3.2, 5.2, 7.2। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 9.2। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 11.2। नेक्स्ट क्या होगा, 11, 12, 13.2। ठीक, माइनस टू आपको ऐड करते हुए जाना है, ऐड करते हुए जाना है माइनस टू, और क्योंकि पहली टर्म ही नेगेटिव है तो वो सभी उसमें ऐड हो जाएंगे, दोनों वो लाइक टर्म्स हो जाएगी। आगे आते हैं, माइनस 10, माइनस 6, माइनस 2 एंड 2, तो माइनस 6 माइनस माइनस 10, पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। ये होगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10, यानी कि पहले 4 का डिफरेंस है, फिर माइनस 2 से माइनस किया माइनस 6 को, तो कितना आया, माइनस 2 प्लस 6, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। फिर 2 से माइनस किया माइनस 2 को, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। सो बिल्कुल एपी है, और एपी है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म होगी 2 में हम 4 ऐड करेंगे, 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। सो 3 प्लस रूट 2 से जब माइनस करेंगे 3 को, 3 प्लस रूट 2 से माइनस किया 3 को, 3 कैंसिल हो गया, आंसर बचा रूट 2। तो पहले में तो डिफरेंस रूट 2 है, फिर 3 प्लस 2 रूट 2 से माइनस किया हमने 3 प्लस रूट, इसको कर लेते हैं क्योंकि इसमें ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ पार्ट, सीरीज है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, वैसे हमें पता ही लग गया नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2 होगी, बट इसमें पहले डी फाइंड करते हैं। पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, पहले ए टू से माइनस करेंगे ए वन को, फिर ए थ्री से माइनस करेंगे ए टू को, और फिर ए फोर से माइनस करेंगे ए थ्री को, तीनों बार माइनस करके देखेंगे क्या डिफरेंस सेम है। तो पहले हमने ए टू जो कि था 3 प्लस रूट 2, उससे माइनस किया रूट, उससे माइनस किया 3 को, इससे माइनस किया 3 को, तो 3 3 कैंसिल हो गया, आंसर बचा रूट 2। ये यहाँ तक तो आसान था, अभी जब इसमें से आप माइनस करेंगे इसको 3 प्लस 2 रूट 2 से, हमने माइनस किया 3 प्लस रूट 2 को। अगर आपने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है सेकेंड टर्म इज ये दो टर्म से मिलकर बनी है 3 प्लस रूट 2, और आपको दोनों को माइनस करना है, मतलब कि इसको आपको ब्रैकेट में रखना होगा। सो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे, अभी हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 ये होगा माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 3 कैंसिल होगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 थे, 1 रूट 2 माइनस हो गया, 1 रूट 2 बचेगा, आंसर इज रूट 2। ओके, नेक्स्ट ए फोर जो कि था 3 प्लस 3 रूट 2, रूट 2 इससे माइनस करना है 3 प्लस 2 रूट 2 को, ब्रैकेट में रखेंगे सेकेंड टर्म को, और सॉरी थर्ड टर्म को, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 और 3 कैंसिल, 3 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 2 थे, 2 रूट 2 माइनस हो गए, तो 1 रूट 2 बचा रूट 2। तीनों केसेस में डिफरेंस रूट 2 है, तो यानी कि ये एपी है। एपी है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा, पहला 3 था 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12,
ये तो पता ही लग रहा है, बार बार माइनस फोर आप ऐड करते हुए जा रहे हैं। माइनस फोर ऐड किया, फोर फोर एट हो गया, एट फोर ट्वेल्व हो गया, नेक्स्ट होगा माइनस सिक्सटीन, माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी फोर। ठीक, ए पी बी है, माइनस फोर से जीरो को माइनस करेंगे माइनस फोर बचेगा, माइनस एट से माइनस करेंगे माइनस फोर को, माइनस एट से माइनस करेंगे माइनस फोर को, सो माइनस एट प्लस फोर ये भी माइनस फोर हो जाएगा, ऐसे ये भी माइनस फोर होगा, डिफरेंस है माइनस फोर एंड नेक्स्ट टर्म्स है ये सब। नेक्स्ट नेक्स्ट है माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, जब ये वाला क्वेश्चन था जिसमें, हाँ माइनस टू वाला जिसमें डी जीरो था, तो इसमें आंसर क्या आया था, माइनस टू, नेक्स्ट टर्म भी माइनस टू बनी थी, नेक्स्ट टर्म भी माइनस टू, नेक्स्ट टर्म भी माइनस टू। कहने का मतलब है अगर सभी टर्म सेम है तो वो भी एक एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि डिफरेंस हर केस में जीरो है। अब माइनस वन बाई टू से माइनस करेंगे माइनस वन बाई टू को, तो आंसर जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, सो डी जीरो है, यानी कि येस इट इज़ एन ए पी। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी यही होंगे, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। ओके नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, 1, 3, 9, 27। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 3 माइनस 1 2 है, उसके बाद 9 माइनस 3 6 है, 27 माइनस 9 18 है। तो पहले 2 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, इट इज़ नॉट एन ए पी। वैसे इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, 1 3 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 3 मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आती है, लेकिन ए पी कहता है कि ऐड करके नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो ये वैसे जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे जी पी एच पी का कॉन्सेप्ट, तब ये एक सीरीज बन सकती है। ए पी इसको एक सीरीज नहीं मानेगा, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट, 8 2a 3a 4a, बिल्कुल है, आपने हर बार a ऐड किया, a में a को ऐड किया, 2a आया, फिर 3a 4a, फिर अगली टर्म होगी 5a 6a 7a, तो 2a में से a को माइनस करेंगे a, 3a में से 2a गया a, हर बार डिफरेंस a है, और ये अगली तीन टर्म्स हैं। नेक्स्ट आगे है a a² a³ a⁴, ये देखने में लग सकता है आपको ap है, बट ये ap नहीं है, ये भी बिल्कुल इसी के जैसी सीरीज है। ए से ए स्क्वायर कैसे बना, ए में आप कुछ भी ऐड कर लीजिए, ए स्क्वायर नहीं बनेगा। ए ए स्क्वायर सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करने पर बन सकता है, तो आपने ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बना, फिर मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म आ रही है, ऐड करने पे नहीं। इसको आप करेंगे कैसे, आप कहेंगे हम अगर ए टू से माइनस करते हैं ए वन को, यानी कि ए स्क्वायर से माइनस करते हैं ए को, वैसे तो ए स्क्वायर से ए माइनस होगा ही नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस ए ही रहेगा, हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ए कॉमन ले सकते हैं, बट फिर भी कुछ नहीं होगा। सो ये है ए टू माइनस ए वन, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये भी यही रहेगा, ए क्यूब से ए स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता, तो ये कहेंगे हम कि ये पहला डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस ए है, दूसरा डिफरेंस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर है, तीसरा डिफरेंस ए टू द पावर फोर माइनस ए क्यूब होगा, डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, डिफरेंस सेम नहीं है तो ए पी भी नहीं है। ओके नेक्स्ट ये देखते हैं, √2 √8 √18 √32, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको देखने से लगेगा कि नंबर्स बने कैसे हैं, लेकिन पहले रूट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे √8 है, तो वैसे किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन √8 में कुछ नंबर्स बाहर जरूर आ सकते हैं, सो दिस इज आंसर नंबर 12 एंड इम्पॉर्टेंट भी है। अगर इसी चैप्टर का सिर्फ टेस्ट होता है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपका क्लास टेस्ट होता है। सो सीरीज है √2 √8 √18 एंड √32। इसमें देखिए √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 फैक्टर्स हमने किए 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 6 2, सो स्क्वायर रूट के केस में जिन नंबर का पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाते हैं, मतलब यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट में सिर्फ 2 बचेगा, तो √18 को आप 2 √2 लिख सकते हैं, √8 को, सॉरी √18, 18 के फैक्टर्स करते हैं, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 6 3, यहाँ पर 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बचेगा, मतलब √18 को आप 3 √2 लिख सकते हैं। फिर बात आती है √32 की, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, एक तो ये 2 बाहर आया, एक ये 2 बाहर आया, 2 2 बाहर आ गए, 2 2 ज़ार 4, तो मतलब 4 तो बाहर आ गया रूट के और रूट में बचा 2, तो √32 को आप लिख सकते हैं 4 √2 2 सॉरी √2 2 √2 3 √2 4 √2। ये अभी आपकी सीरीज है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करिए। पहले आप कहेंगे ए टू माइनस ए वन हमने किया, ए थ्री माइनस ए टू हम करेंगे, ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे। डिफरेंस देखते हैं, ए टू माइनस ए वन यानी कि √2 - √2, 2 √2 में से √2 माइनस हो सकता है, एक √2 बचेगा, √2 का मतलब है 2 √2, √2 + √2 मिलके 2 √2 बनाते हैं। नेक्स्ट है 3 √2 - 2 √2, 3 √2 थे, 2 √2 आपने माइनस कर दिए, 1 √2 बचा, अगेन 4 √2
माइनस थ्री रूट टू, ये बचेगा रूट टू, फोर माइनस थ्री इज वन एंड देन रूट टू, वन रूट टू। तो तीनों ही केसेस में डी सेम है, सो यस इट इज एन ए पी। और अगर ए पी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं, वैसे भी जनरली भी आप फाइंड कर सकते हैं, फोर रूट टू के बाद क्या होगा, फाइव रूट टू, सिक्स रूट टू एंड सेवन रूट टू। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर फाइव रूट टू, सिक्स रूट टू एंड सेवन रूट टू। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन, रूट ट्वेल्व। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो सकता, ये जो रूट सिक्स है, चलो इसको भी करते हैं, रूट नाइन फिर भी थ्री बन जाएगा, रूट ट्वेल्व में भी नंबर्स बाहर आ सकते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन, क्योंकि रूट में जनरली हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट ट्वेल्व एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म तो रूट थ्री रहेगी, रूट सिक्स में से देखते हैं कोई नंबर्स बाहर आते हैं क्या, टू थ्री आर सिक्स, थ्री वन सिक्स थ्री, कोई भी पेयर नहीं बना, रूट सिक्स ही रहेगा। रूट नाइन तो हमें पता है थ्री होता है, रूट ट्वेल्व को देखते हैं, टू सिक्स आर ट्वेल्व, टू थ्री आर सिक्स, थ्री वन सिक्स थ्री, मतलब इसको हम लिख सकते हैं टू रूट थ्री, तो इसको टू रूट थ्री लिखेंगे, इसको थ्री लिखेंगे, रूट सिक्स ही रहेगा, रूट थ्री ही रहेगा। माइनस करते हैं, सबसे पहले ए टू माइनस ए वन हमने किया, तो ये हुआ रूट सिक्स माइनस रूट थ्री। रूट सिक्स माइनस रूट थ्री को रूट थ्री नहीं लिखना है, रूट्स में भी वही है, नंबर्स जो हैं लाइक टर्म से एड और सब्ट्रैक्ट होती है, रूट थ्री, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री रूट थ्री ही रहेगा, सॉरी रूट सिक्स माइनस रूट थ्री रूट सिक्स माइनस रूट थ्री ही रहेगा, ये रूट थ्री नहीं होगा। होपफुली ये क्लियर हो, यहाँ पर भी आप ऐसे नहीं करेंगे, कई बार हमें ये लगता है कि ये जो सीरीज है जनरली ये ए पी दिखाई देती है, हमें लगता है कि थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व बार बार हमने थ्री ऐड किया है तो ये एक ए पी बन गई, लेकिन ये रूट के अंदर है। रूट थ्री को अगर आपको रूट सिक्स बनाना है और आप इसमें थ्री ऐड करना चाहे, रूट थ्री ऐड करना चाहे, तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री बन सकता है, रूट सिक्स नहीं बन सकता, रूट थ्री एक्चुअली में रूट सिक्स बन ही नहीं सकता है। ओके, तो ना रूट सिक्स से रूट थ्री माइनस हो सकता है, रूट के अंदर हमेशा लाइक टर्म्स माइनस होती है। रूट टू अगर है उससे रूट टू वाली टर्म ही माइनस हो सकती है, जैसे सेवन रूट टू से थ्री रूट टू माइनस हो सकता है, ये फोर रूट टू बच सकता है, लेकिन रूट अगर रूट सेवन है इससे रूट फाइव आपको माइनस करना हो तो ये हो ही नहीं सकता, ये रूट सेवन माइनस रूट फाइव ही रहेगा। चलिए होपफुली ये क्लियर हो। तो पहला तो रूट सिक्स माइनस रूट थ्री रहा, सेकेंड टर्म्स को जब आपने माइनस किया ए थ्री माइनस ए टू, ये थ्री माइनस रूट सिक्स, थ्री से भी रूट सिक्स माइनस नहीं हो सकता, रूट सिक्स सिर्फ रूट सिक्स की टर्म से ही माइनस हो सकता है, ये भी एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट भी एज इट इज रहेगा, कुछ भी नहीं सॉल्व हुआ, तीनों बार डिफरेंस बहुत ही अलग है, डी इज नॉट सेम, तो सीरीज इज नॉट एन ए पी, ये एक ए पी नहीं है। नेक्स्ट हम थे ट्वेल्थ पर, ट्वेल्थ नहीं थर्टीन हो गया था, फोर्टीन, ए स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थ्री स्क्वायर से तो हम वन स्क्वायर को माइनस नहीं कर सकते। सो वन का स्क्वायर होगा वन, थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, फाइव का स्क्वायर फाइव, फाइव जार ट्वेंटी फाइव, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन। इसमें भी ये नहीं सोचना है कि वन थ्री फाइव सेवन, चलो ये तो ए पी में है, हमने दो ऐड किया स्क्वायर कर दिया, दो ऐड किया स्क्वायर कर दिया, नहीं, ये टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है, वन नाइन ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन, देखो यहाँ पर सिर्फ एट का डिफरेंस है, यहाँ पर ट्वेंटी फाइव नाइन सिक्सटीन का डिफरेंस है और यहाँ पर ट्वेंटी फोर का डिफरेंस है। सो डी तीनों केसेज में बहुत ही डिफरेंट है, तो ये ए पी नहीं है। ओके, रूट की कोई टर्म हो, स्क्वायर की कोई टर्म हो, पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए, सिर्फ देखकर कि 1357 है तब ऐड या फिर डी आपको फाइंड नहीं करना है। नेक्स्ट, वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर एंड 73, इसको देखते हैं, वन का स्क्वायर वन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, सेवन का स्क्वायर सेवन, सेवन जार फोर्टी नाइन एंड ये होगा 73 एज इट इज। अब इसमें डी देखना पड़ेगा, अगर आप इसको वैसे देखें वन टू थ्री फोर फाइव, चार हमने ऐड करके फाइव का स्क्वायर बनाया, सिक्स सेवन यहाँ पे दो ऐड करके बना दिया, तो एट अ ग्लांस एक बार जस्ट देखने से आपको ये लगेगा ए पी नहीं है, बट एक्चुअली में ये ए पी है। देखिए 25 से 1 माइनस करेंगे 24 बचेगा, 49 से 25 को माइनस करेंगे 24 बचेगा, 73 से 49 को माइनस करेंगे तो भी 24 बचेगा, तीनों केसेस में जो डी है वो 24 है। तो नेक्स्ट टर्म आप 24 ऐड करके बना सकते हैं, इसमें 24 ऐड करेंगे 4 5 6 7 7 8 9 97, 97 में 24 ऐड करेंगे 21 121, इसमें 24 ऐड करेंगे सो 140, 21 है 24 ऐड करना था 5, ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स होगी। ओके चलिए, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है, होपफुली एपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूरी एक्सरसाइज का यही मकसद था कि एपी आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। एपी एक सीरीज है, जैसे नंबर्स की सीरीज होती है नॉर्मली, जिसमें कंडीशन ये है कि जितनी भी उसमें टर्म्स हैं, जितने भी उसमें नंबर्स हैं, सभी का डिफरेंस सेम हो
और अगर आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना हो तो उस डिफरेंस को ऐड करके आप नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकें। ओके, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना हम सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।